Can you feel the music? हमने एक जैम योजना बनाई है, JAM, जनधन आधार मोबाइल। बैंक में जनधन अकाउंट, आधार यूनिक आइडेंटिटी कार्ड और एम मोबाइल। हमने जो गैस सब्सिडी जाती थी उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया और दूसरा किया कि हम एक गैस सिलेंडर बेचने वालों को सब्सिडी नहीं देंगे, जो गैस लेता है उसके खाते में सीधी सब्सिडी जमा करेंगे। बाजार में जाकर के उसको जो दाम है वो देना है देगा, लेकिन उसके सब्सिडी उसके खाते में जाएगी। इसका परिणाम ये आया कि पहले जो सरकारी खजाने से सब्सिडी जाती थी उसमें से करीब 3-4 करोड़ लोग पता ही नहीं चला वो पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, नहीं सब्सिडी जाती थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, करीब करीब 14-15 हजार करोड़ रुपए की चोरी बड़ी आराम से हो रही थी, बंद हो गई। और एक बार की नहीं, हर वर्ष होता था इतना, इतने सालों में कितना गया होगा। अब मुझे बताइए, मोदी ऐसा करेगा तो मोदी को परेशानी होगी कि नहीं होगी? इसके कारण कुछ लोग तो होंगे जिसका नुकसान हुआ होगा, वो चुप बैठेंगे क्या? और इतना खाया होगा तो उनकी चिल्लाने की ताकत भी तो ज्यादा होगी, इसलिए वो चारों तरफ बोल रहे मोदी बेकार है, मोदी कुछ नहीं करता, मोदी कुछ नहीं करता, ये सुनने को मिलेगा। बहुत स्वाभाविक है कि सालों से इस प्रकार की मलाई खाने की आदत वाले लोग हैं, उनकी जरा हालत बहुत खस्ता है। मैंने यूरिया का बताया, ये यूरिया उत्पादन तो ज्यादा हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे देश में किसानों को यूरिया में बहुत सब्सिडी दी जाती है। साल की करीब 80,000 करोड़ रुपया किसानों को यूरिया सब्सिडी में जाता है, लेकिन ये यूरिया खेत में पहुंचता है क्या? यूरिया केमिकल फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब उनको सब्सिडी वाला सस्ते में यूरिया मिले तो उसकी जो केमिकल प्रोडक्ट है वो सस्ते में तैयार होगी तो उसको मुनाफा ज्यादा होगा, और इसलिए उनकी सांठगांठ रहती थी। कारखाने से यूरिया निकलता था खेत में जाने के लिए, लेकिन जाता था केमिकल के कारखाने में और सरकार की सब्सिडी जाती थी। हमने एक काम किया, हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया। हमारे यहां जो नीम के पेड़ होते हैं उसकी जो फली होती है उसका ऑयल निकाल करके यूरिया पर उसका कोटिंग किया। इसके कारण यूरिया में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गई और वो जमीन के लिए बड़ा फायदा देने वाली हो गई। अगर रूटीन में 10 केजी यूरिया उपयोग करते हैं लेकिन नीम कोटिंग वाला है तो 7 केजी से चल जाता है, जमीन का भी भला होता है। लेकिन उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि नीम कोटिंग वाला यूरिया इसके सिवाय किसी काम नहीं आ सकता है। और परिणाम यह हुआ कि ये जो यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था वो बंद हो गया, वो किसान के खेत में जाने लग गया। और परिणाम ये आएगा, अभी उसका हिसाब निकल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए की चोरी बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए, अगर मोदी के खिलाफ जोर से कोई आवाज आई है
तो समझ लेना कि मोदी ने कहीं चाबी टाइट की है, ये मान के चल रहा है। आवाज जितनी जोर से आ जाए मेरे खिलाफ तो समझ लेना कि दाल में कुछ, कभी कभी तो पूरी दाल काली नजर आती है। गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, गीता हूं मैं, कुरान हूं मैं, मुझे पढ़, इंसान हूं मैं। आप अगर इंसान की बात करते ना ओवैसी साहब, पहले तो मेरा सलाम स्वीकार करिए, नमस्कार स्वीकार करिए। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों की, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल शांति से सुन रहा था। आप बड़े नेता तब कहलाते जब आप इंसान की परेशानियों और दिक्कतों की बात करते। आप छोटे नेता उस दिन हो गए जिस दिन आपने केवल मुसलमानों की बात की। मेरे निगाह में आज आप गिर गए। दूसरी बात, देखिए, हिंदुस्तान की जनता आपका सबसे बड़ा चैनल है, घर घर में लोग इसे सुन रहे हैं। और मैं आज आगाह करता हूं, ये शब्द हटा दीजिए अपने शब्दकोश से कि मुस्लिम इलाका है। कोई इलाका हिंदू इलाका और कोई इलाका मुस्लिम इलाका नहीं है, ये मेरे देश भारत का इलाका है। तो आइंदा ओवैसी साहब, मैं बहुत अदना सा लड़का हूं, आप बड़े लोग हैं, ये अदना सा भारतवासी आपसे एक बात कह देता है, आइंदा ये हिम्मत मत करना आप कि किसी इलाके को ये कह दो कि ये मुस्लिम इलाका है, हम बंटवारा नहीं चाहते। तीसरी बात, आपने सरकार की बात की, मैं सरकार की बात रखता हूं। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा 85% मुसलमानों के पास आज तंगी है, अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वहां बैंक नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं साहब, 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार में जो राज करती रही आप उसके कोएलिशन पार्टनर थे। बैंक कोई शुतुरमुर्ग की तरह, कोई फंगस की तरह 4 दिन 5 दिन 3 महीने में नहीं खुलते हैं, इन्हें दशकों लगते हैं। जनधन के पर तो आप अपनी पीठ, मैं जनधन पर दे रहा हूं, आपने अकाउंट खोला है तो थोड़ा तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप बताइए, 25 करोड़ अकाउंट पहली बार हिंदुस्तान में खोला, क्या नाम पूछ के अकाउंट खोला कि तुम्हारा नाम अब्दुल है या तुम्हारा नाम राम है? नाम पूछ के नहीं खोला। मैं आज ओवैसी साहब से पूछता हूं, ओवैसी साहब ये डॉक्यूमेंट दिखाएं कि अपने क्षेत्र में कितने मुसलमान भाइयों के हाथ पकड़ के आप अकाउंट खुलवाने ले गए थे, कितने बैंक आपने अपने इलाके में खुलवाए। देखिए, आपने बड़ा जनरलाइज कर दिया कि मुसलमान इलाके में बैंक नहीं है, कौन जिम्मेदार है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे मुसलमान नेता जिन्होंने मुसलमान गरीब मुसलमानों को, वो बाबा बैठे हैं मेरे, देखिए, इनको दबा के रखा वर्षों तक ताकि ये आपका वोट बैंक बना रहे, ताकि इनका अकाउंट ना खुल सके। क्यों नहीं सिखाया आपने इनका, आपने वहां बैंक क्यों नहीं खोला इतने वर्षों तक? मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि इस मुल्क की आजादी में सबने हिस्सा लिया, आपने नहीं लिया था। मैं इतिहास लेके आया हूं सर, भाई मैं ना, यू डिड नॉट वॉन्ट हैदराबाद एज इंडिया। इनके 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 इनकी पार्टी का फाउंडेशन इसी बेस पे था कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा, खाकी नहीं। जब आप कहते हैं कि यहाँ दिक्कत है और पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, आप कहते हैं यहाँ दिक्कत है और कहते हैं केवल मुसलमानों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात नहीं करेंगे, तो ये मैं सोचता हूं कि सियासत हो रही है, लोगों के तकलीफ के नाम पर राजनीतिक पार्टी अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं ओवैसी जी के इतिहास को गिना रहा था, हिंदू मुस्लिम बनाने के नहीं गिना रहा था, कि हर चीज पे वो हर विषय को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। इससे दुख होता है क्योंकि एक बड़े कद का नेता जब हर विषय को धर्म के लाइन पे बांट देगा। मैंने ऐसे ही याकूब मेमन का उदाहरण नहीं दिया, मुझे भी तकलीफ होती है जब समाज बढ़ता है, इसलिए दिया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई गलती करेगा तो फांसी पे चढ़ जाएगा। आपने कहा नहीं, याकूब मेमन फांसी पे इसलिए चढ़ा क्योंकि वो मुसलमान था। भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। आप ही के भाई जावेद अख्तर साहब ने कहा ना, अचकन पहनाना, जो आप सुंदर लग रहे हैं अचकन में, अचकन पहनाना तो संविधान ने नहीं सिखाया है, मगर फिर भी आप बड़े प्यार से अचकन पहन, धोती पहनाना मुझे भी संविधान ने नहीं सिखाया है मगर मैं बड़े प्यार से पहनता हूं। तो आप हर बात पे क्यों हमारे संविधान को जवाब हो वैसे साहब जल्दी से कि लघु उद्योग के लोग अभी फिलहाल कुछ परेशान होंगे। और हमारे अल्मा मैटर अर्थात आपने संघ की तरफ उंगली उठाया और कहा कि उन्होंने छापा है, संघ तो अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रही है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू ज्यादा परेशान है, उन्होंने कहा लघु उद्योग।
आप भी तो वही शब्द का प्रयोग कर सकते थे, आपने क्यों मुसलमान शब्द का प्रयोग कर दिया? यही कोई धोती पहन के, कोई टीका लगा के विश्व हिंदू परिषद का आदमी या कोई साधु या साध्वी कह देती ना कि ये हिंदुओं के इलाके में पैसा नहीं आता तो पूरे देश में गजब डा जाता, ये हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुत्व बनाना चाहते हैं। यही ओवैसी साहब पार्लियामेंट में चिल्ला रहे होते और आज में बोल रहे हैं कि मैं मुसलमानों की बात क्यों ना करूं। क्यों करेंगे केवल मुसलमानों की बात, सबकी बातें क्यों नहीं करेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर जाकर सऊदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जाकर, नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर एग्रीमेंट साइन करके आए, ये गलत बात है। मुसलमान याद नहीं आया, मुसलमान इलाके बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं अंजना जी, मैं पूछता हूँ ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो ओवैसी जी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, चलिए आपके मुल्क के नहीं, आपके मुल्क के, आप बोलेंगे आज कि मेरे मुल्क के मेरे प्राइम मिनिस्टर, बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? यही पार्टीशन है, ये अपने प्रधान, मेरी मर्जी नहीं होता है साहब, आप एक पार्लियामेंटेरियन है, सुन लीजिए, एक पार्लियामेंटेरियन जो अपने प्राइम मिनिस्टर को अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं कह सकता, ये बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी, इस नाम को आगे से कभी लाइटली मत लेना। मैं विक्रम बजाज आज लेकर आया हूं फिर एक बार खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। अब तक हमने इस देश में सिर्फ बातें करने वाले नेता देखे हैं जो विज्ञापन, टीवी, सोशल मीडिया पर आकर भाषणबाजी का एक भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन सही में कुछ करके दिखाएं ऐसे एक ही बोल्ड नेता आज हैं हमारे पास, नरेंद्र मोदी, जो कठिन फैसले लेने से कतराते नहीं। थोड़े समय पहले उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में वार्निंग दी थी कि सुधर जाओ वरना जिस भाषा में समझते हो उसी में जवाब देंगे। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आतंकी हरकतें चालू रखी, फिर क्या हुआ हम सबको पता है। उसके बाद नंबर आया काले धन वालों का, पहले रिक्वेस्ट की फिर चेतावनी दी, लेकिन नहीं, सबको लगता था कि पिछली सरकारों की तरह ये तो बस बातें हैं। पर 8 नवंबर को जब देश में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब देश के सभी काले भंडारों में आग लग गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और तरीका भी क्या कमाल था, एक तीर और 3 निशाने, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और नकली नोटों का कारोबार करने वाले सब पर सीधा अटैक। जरा सोचिए, इस देश में कभी कोई राजनेता भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई कर सकता है? तो जरा सोचिए, ऐसे फैसले वही नेता ले सकते हैं जो खुद करप्ट ना हो, जैसे कि मोदी जी, जो खुद जमीन से जुड़े हुए हो, जो खुद नीति के साफ हो, जैसे कि मोदी जी, जिसे काले धन के जमाखोरों की नहीं गरीबों की चिंता हो, जो खुद कॉकटेल सर्कल का मेंबर ना हो, जैसे कि मोदी जी, जिसे दामाद, साडू, भाई, भतीजा या किसी भी रिश्तेदार के ऐसे हित की रक्षा करने की नहीं या किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मोदी जी। जरा सोचिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से कैसे इस सोच पर अमल उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले गरीबों के खाते खुलवाए, फिर उन्हें आधार कार्ड से लिंक किया, उनके हक के सारे लाभ उनके ही बैंक अकाउंट में पहुंचाना शुरू किया और 500,000 की पुरानी करेंसी बंद करने का निर्णय लिया। इस फैसले से देश को आतंकवाद और अपराध से कमजोर बनाने वाले खुद कमजोर बनेंगे, गरीब और मिडिल क्लास बनेंगे ताकतवर, क्योंकि उनकी पहुंच से बाहर वाली चीजें जैसे कि रियल एस्टेट, हायर एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट अब उनकी पहुंच में आ जाएंगे। और हाँ, एक और खास बात, नेक्स्ट टाइम मोदी जी कुछ बोले तो लाइटली मत लेना, बंदा नेशनलिस्ट है, कुछ भी कर जाएगा देश के लिए। तो जरा सोचिए, मोदी जी के इस फैसले से जो खुश नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे? इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली। अब पाकिस्तान की? रबात। अफगानिस्तान की? काबुल। नेपाल की? काठमांडू। बांग्लादेश की? ढाका। जापान की? टोक्यो। श्रीलंका की? कोलंबो। इराक की? बगदाद। सऊदी अरब की? रियाद। यूके की? लंदन। यूरोप की?
बाजी केनिया की नैरोबी फ्रांस की पेरिस इटली की रोम तेलंगाना का कैपिटल क्या है केसिया तेलंगाना की कैपिटल कैपिटल तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हैदराबाद आंध्र प्रदेश की बिहार की उत्तर प्रदेश की चंडीगढ़ पंजाब की चंडीगढ़ हरियाणा की चंडीगढ़ हरियाणा की भी चंडीगढ़ अच्छा छत्तीसगढ़ की रायपुर झारखंड की रांची हिमाचल प्रदेश की शिमला देहरादून की देहरादून उत्तराखंड की देहरादून गोवा की पनाजी पेपर देखना पड़ता अपने को याद नहीं रहता ताजमहल कहाँ है बेटा अगला नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार महारानी कॉलेज जयपुर बॉन्स कितने हैं 206 इंसान का दिमाग कितने पाउंड है 3 पाउंड आंखों के आंखें एक मिनट में कितनी बार झपकती 25 बार आंसुओं में कौन सा गैस पाया जाता ऑक्साइड सोडियम पानी में कौन सा ऑक्साइड जलता सोडियम एच जो नकली सोना कौन से ऑक्साइड को किसको बोलते हैं नकली आयरन को आयरन को अच्छा झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है दूध नापने वाली मशीन रेक्टोमीटर हवा नापने वाली बायोमीटर मिसाइल मैन आयरन मैन आयरन आयरन मैन आयरन मैन अच्छा बोलो बेटा अच्छा झूठ बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो कौन बोले गांधी जी अच्छा आराम हराम है कौन बोले आराम हराम है कौन से लीडर्स बोले चाचा ने अच्छा अस्थि पिंजर में सीने में फसलियों की जोड़ी कितने रहती है बेटा मांसपेशियां कितने हैं अच्छा बेटा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी एनीमिया अच्छा हैजे की बीमारी कौन से साइंटिस्ट डिस्कवर करे उनका नाम एड्स की बीमारी चांद पे सबसे पहले कौन गए चांद पे सबसे पहले कौन गए हाँ मून पे राकेश शर्मा हाँ अच्छा कितने दिन लगते चांद पे जाने 3 दिन अच्छा जमीन कैसे किलोमीटर प्रति घंटा घूमती 800 प्रति घंटा घूमती अच्छा फिर और वो सूरज की रोशनी आने एक मिनट में अपने जमीन पे आने कितने मिनट लगते बेटा 3 मिनट नहीं जमीन पे आने सूरज की रोशनी 8 मिनट 22 सेकंड वेरी गुड একদম হঠাৎ করে আজকের এই ভিডিওটা বানাতে আমি বাধ্য হচ্ছি আপনারা যারা আমাকে ফলো করেন তারা সবাই মনে হয় জানেন যে আমি একটা লোককে নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও বানাইছিলাম তার নাম হলো মুফতি আব্দুর রাজ্জাক হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোকটাই যে ওই জান্নাতের যেসব গুড়গুলো আছে যাদেরকে আমি বলি যে জান্নাতি বেশ্যা তা ওই জান্নাতি বেশ্যা গুলোর যখন ডিসক্রিপশনটা উনি দেন তা ডিসক্রিপশন গুলো এভাবে দেওয়া হয় যে জান্নাতের নারী এত নরম এত নরম এত নরম ডিমের খোসা এবং কুসুমের মধ্যে সাদা পদার্থ যত নরম যুবক আমি তোমাকে কি দিয়ে বুঝাই জান্নাতের নারী কত নরম যুবক শোন ওদের স্তন হবে স্থির গোলাকার শালার বেটার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন সে আল্লাহর তৈরি যে সোনা গাছিটা আছে ওই জান্নাত সেখানকার যে জান্নাতি হুড নামক যে বেশ্যা গুলো সেগুলোর সাথে মিটিং করে তারপরে ফেরত এসে দুনিয়াতে তো ও কেমনে জানলো যে ওটা এত নরম আচ্ছা যাই হোক ওই আল্লাহর তৈরি ওইসব এত নরম বেশ্যা গুলোর কথা বাদ দিই আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম অনলাইনে আমি রিসেন্টলি দেখতেছি যে একটা ব্যানার ফটো ব্যানার যেটাকে বলা হয় এটা অনেক বেশি ভাইরাল হয়েছে যে শেখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেবের বিরাট ইসলামিক সমাবেশ আসসালামু আলাইকুম সকল ইসলামী ভাই ও বোনদের আগামী 18 ডিসেম্বর 2016 রোজ রবিবার ধর্মীয় সমাবেশে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ জানাই স্থান ছোট কুষ্টিকুড়ি থানা সিউড়ি পুরন্দরপুর জেলা বীরভূমি পশ্চিমবঙ্গ এখন মূল কথা হচ্ছে যে শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ লোকটা কে কে এই কুলাঙ্গারের বাচ্চা কে এই কুলাঙ্গারটা এবং কেন আমি তাকে কুলাঙ্গার বলে বারবার আখ্যায়িত করতেছি মূর্তি ভাঙতে এসেছি লক্ষ্মী মেরে বাংলার মাটিতে যত ছবি মূর্তি রয়েছে তাকে ভেঙে চৌচির করে দেবো লক্ষ্মী মেরে সব ছবি মূর্তিকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে রাস্তায় কোন মায়ের বেটা ঠেকাতে পারবে না সেদিন আর বেশি দূরে নাই কাপুরুষ আমার নবী ইব্রাহিম মূর্তি ভেঙেছেন তুমি জানো না আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মূর্তি ভেঙেছেন এটা তুমি জানো না জানি এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনি যদি হিন্দু হয়ে থাকেন আপনার সারা শরীরে রক্তগুলো মানে মাথায় উঠে গেছে
আপনি চাচ্ছেন যে এই লোকটাকে টুকরো টুকরো করে যেন কেটে ফেলা হয়, কিন্তু আমি এটাও জানি আপনাদের যে উত্তেজনাটা সেটা শুধুমাত্র মনের ভিতরেই থাকে, কিচ্ছু করতে পারবেন না। এই পশ্চিমবঙ্গের যে বাঙালিরা আছে তারা শুধুমাত্র তাসলিমা নাসরিনকে দেশ থেকে বের করতে পারে, কিন্তু এই ধরনের যেসব কুলাঙ্গাররা আছে যারা এই দেশে আসার পরে প্রত্যেকটা মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হবে, তখন ওই মূর্তি ভাঙা নিয়ে যখন হিন্দু মুসলিমের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি হবে তখন জেলে যাবে শুধুমাত্র হিন্দুরা, কারণ মুসলিম তোষণকারী অনেক আছে এবং ক্ষমতায় যারা বসে আছে তারাও কিন্তু মুসলিম তোষণকারী, সেজন্য যত ক্ষতি হবে শুধুমাত্র হিন্দুদেরই হবে, কারণ হিন্দুরা তো প্রতিবাদ করতে পারে না। তারা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হোক অথবা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হোক, তারা সবসময় অত্যাচারিত, তারা সবসময় কাপুরুষ, তারা সবসময় ভীতু, তারা শুধু লাশ গুনবে এবং লাশটাকে কাঁধে করে চিতায় জ্বালানোর আগে বলবে কি বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল, এইটার জন্যই তারা এই পৃথিবীতে জন্মাইছে। আমার তো তাই মনে হয়, কারণ আমি তো এটা দেখেই বড় হচ্ছি, কিন্তু আমি চাই যে আমাকে ভুল প্রমাণ করা হোক। আপনারা প্রশাসনের কাছে যান, প্রশাসনের কাছে গিয়ে বলেন যে শেখ বিন আব্দুর রাজ্জাক সে আমাদের এই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা করায় দেবে, কারণ সে সরাসরি প্রমোট করে যে মূর্তি ভাঙো, এবং একবার যদি এই মূর্তি ভাঙা নীতি এটা যখন মুসলিমদের মধ্যে ছড়ায় যাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা মন্দিরে মূর্তি ভাঙা পাওয়া যাবে, কোনোটার হাত থাকবে না, কোনোটার মাথা থাকবে না, কোনোটা পুরোপুরি মাঝখান থেকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করা হবে, এবং এই নিয়ে যখন দাঙ্গা বাঁধবে আপনারা শুধুমাত্র লাশ গুনে বলবেন কি যে বড় হরি হরি বল, তাছাড়া আপনারা কিচ্ছু করতে পারবেন না। আমি চাই প্লিজ আমাকে ভুল প্রমাণ করুন, প্লিজ এই কুলাঙ্গারটাকে পশ্চিমবঙ্গে আসা থেকে বাধা দিন, কারণ আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানি, আমি জানি যে এই লোকটা কিভাবে মুসলিমদের ব্রেন ওয়াশ করে ওই মুসলিমদের দ্বারা হিন্দুদেরকে অত্যাচার করায় তাদেরকে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালাতে বাধ্য করছে। তা আমি চাই না যে পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পরবর্তীতে এই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রে তাদের আশ্রয় দিতে হয়। যাই হোক, এখনো সময় আছে, আপনার প্লিজ জেগে উঠুন, নাহলে অপেক্ষা করতে থাকেন, এক একটা লাশ যখন পড়বে সেগুলোকে আপনি কাঁধে করে শ্মশানঘাটে নিয়ে যেতে থাকবেন আর বলতে থাকবেন বলো হরি হরি বল, বলো হরি হরি বল।
हमारी लड़ाई, जी हाँ हमारी लड़ाई, मेरी बहनों, मेरी सखियाँ और हम सब की माएँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि सब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन दो शब्द ज़रूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूँढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? कि बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। एंड आई थिंक वुमेन आर फूलिश टू थिंक दैट दे आर इक्वल टू मैन बिकॉज दे आर फार सुपीरियर देन मैन एंड हैव ऑलवेज बीन। थैंक यू।